हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेटअप एंड यूज सिक्योर फोल्डर, यानी कि इस डिवाइस में सिक्योर फोल्डर कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों सिक्योर फोल्डर सेटअप करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करना है सिक्योर फोल्डर। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधा सिक्योर फोल्डर ओपन कर सकते हैं, या तो फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाइए। नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, उसके बाद मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स। दोस्तों यहाँ पर आपको एकदम ऊपर में सिक्योर फोल्डर देखने को मिल जाएगा। वेलकम टू सिक्योर फोल्डर। यहाँ कंटिन्यू बटन पर टैप करके सेटअप शुरू करेंगे। दोस्तों सिक्योर फोल्डर एक्सेस करने के लिए सैमसंग अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से ही कोई सैमसंग अकाउंट है तो उसे साइन इन कर लीजिए। अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सैमसंग अकाउंट था, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद सैमसंग अकाउंट का ऑल टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना होगा। वन टू फास्टर वे टू साइनिंग, इसे कैंसिल कीजिए। परमिशन फॉर सिक्योर फोल्डर, नेक्स्ट कंटिन्यू करें। दोस्तों सिक्योर फोल्डर क्रिएट हो रहा है, फोल्डर रेडी होने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक इंतजार कीजिए। इस फोल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए पिन, पासवर्ड और पैटर्न लॉक सेट कर सकते हैं। मैं इनमें से पिन लॉक को चुन लिया। पिन डालने के बाद यहाँ टिक लगा के कंटिन्यू करें। नेक्स्ट सेम पिन डाल के कन्फर्म कर दीजिए। टर्न ऑन रिसेट विथ सैमसंग अकाउंट, अगर सिक्योर फोल्डर का पासवर्ड कभी भूल जाते हैं तो सैमसंग अकाउंट के जरिए पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, तो इसे टर्न ऑन कर दीजिए। इसके अलावा सिक्योर फोल्डर एक्सेस करने के लिए फिंगरप्रिंट लॉक को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्योर फोल्डर के अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसमें फोटो, वीडियो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हाइड कर सकते हैं। इसके साथ ऐप हाइड और एप्लीकेशन पर लॉक भी लगा सकते हैं। इन सभी फीचर्स को उपयोग करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ थ्री डॉटेड लाइन पर टैप करके सेटिंग्स में जाइए। यहाँ लॉक टाइप में जाके पिन, पासवर्ड या पैटर्न सेट कर सकते हैं। ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर, बाय डिफॉल्ट व्हेन स्क्रीन टर्न ऑफ सेट रहेगा, इसे चेंज करके एच टाइम आई लिव एन ऐप सेट कीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आप सिक्योर फोल्डर से बाहर जाएंगे ये तुरंत लॉक हो जाएगा। नोटिफिकेशन एंड डेटा, इसके अंदर सारे नोटिफिकेशन हाइड रहते हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसका परमिशन अलाउ कर सकते हैं। ऐड सिक्योर फोल्डर टू ऐप स्क्रीन, फोन की होम स्क्रीन पर जहाँ सारे ऐप्स रहते हैं वहाँ पे सिक्योर फोल्डर का आइकॉन दिखाई देगा, उसको हाइड रख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कस्टमाइज टैब में जाके इसका नेम, कलर और आइकॉन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हाइड योर प्राइवेट फोटो, दोस्तों अब हम बताएंगे प्राइवेट फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट वगैरह हाइड कैसे करें। फर्स्ट गैलरी में जाइए। गैलरी के अंदर जिस फोटो को हाइड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें, चाहे तो मल्टीपल फोटो और वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मोर पे टैप करके सिक्योर फोल्डर के अंदर मूव कर दीजिए। फिर इस फोल्डर का पासवर्ड एंटर करते ही आपका फोटो सभी जगहों से हाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी एल्बम भी हाइड कर सकते हैं। सेकेंड माई फाइल्स, फाइल मैनेजर से फोटो और वीडियो के साथ साथ ऑडियो फाइल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हाइड कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज में जाके कोई भी फोल्डर सिक्योर फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं, या तो उसके अंदर जो चीज़ हाइड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें फिर सिक्योर फोल्डर के अंदर मूव कर दीजिए। दोस्तों अब हम बताएंगे हाइड किया हुआ फोटो वापस कैसे ले आए। फोटो अनहाइड करने के लिए सिक्योर फोल्डर ओपन कीजिए। इसके बाद गैलरी या माई फाइल्स के अंदर जो चीज़ हाइड करके रखे है वो देखने को मिल जाएगा। जिस फोटो या वीडियो को अनहाइड करना है उसे सिलेक्ट करें, फिर मोर पे टैप करके सिक्योर फोल्डर से मूव आउट कर दीजिए। यहाँ से अनहाइड करने के बाद जिस फोल्डर से आपने फोटो या वीडियो हाइड किए थे उस फोल्डर के अंदर चले जाएगा। हाइड योर गेम और एप्लीकेशन, सिक्योर फोल्डर के अंदर गेम या एप्लीकेशन को बहुत आसानी से हाइड कर सकते हैं। कोई भी ऐप हाइड करने के लिए प्लस आइकन पर टैप करना है, फिर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएगा। डायरेक्ट प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके हाइड कर सकते हैं, गैलेक्सी स्टोर से गेम डाउनलोड करके हाइड कर सकते हैं, या फिर जो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है उसका क्लोन बना के हाइड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे फ़ोन में पहले से ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप इंस्टॉल करके रखा था, अब इन सभी एप्लीकेशन को हाइड करेंगे। यहाँ टिक लगाने के बाद ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं उन सभी एप्लीकेशन सिक्योर फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों उसके बाद सैमसंग की ऐप स्क्रीन से उसका जो मेन एप्लीकेशन था उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, और उसका जो क्लोन वर्जन हमने इंस्टॉल किए थे
और सिक्योर फोल्डर से एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों जगहों में दो अलग अलग हॉटस्टार अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से सैमसंग के मेन ऐप स्क्रीन से एप्लीकेशन और गेम हाइड रख सकते हैं। लॉक योर एप्लीकेशन। दोस्तों, जो एप्लीकेशन सिक्योर फोल्डर के अंदर ऐड किया हुआ है उसका एक शॉर्टकट क्रिएट करके ऐप लॉक फीचर्स उपयोग कर सकते हैं। सिक्योर फोल्डर ओपन करने के बाद प्लस आइकन पर टैप करके दूसरे कोई ऐप या गेम ऐड कर सकते हो। उसके बाद जिस ऐप को लॉक करना है उस पर टैप एंड होल्ड करना है, फिर आपके सामने ऐड टू होम का पॉपअप आएगा। अब इसको होम स्क्रीन पर ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा, सैमसंग की जो मेन ऐप स्क्रीन है वहाँ पे ये एप्लीकेशन ऐड हो जाएगा। हमने व्हाट्सएप और अमेजोन का शॉर्टकट क्रिएट कर लिया है। बाद में जब ऐप ओपन करेंगे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से सिक्योर फोल्डर के अंदर ऐप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस डिवाइस का कई सारे हिडन सेटिंग्स और प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हो कि सिक्योर फोल्डर का ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।